ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अक्सर देखा जाता है, बाज मर्तबा मर्द या बच्चे लड़के जो हैं, खवातीन भी क्रिकेट की बहुत शौकीन होती है ना, और जब कोई T20 चल रहा है या ODI चल रहा है, वन डे इंटरनेशनल जो चलता है 50 वाला, 50 ओवर्स का वो चल रहा है, और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैच क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स पर आ गया है और उधर से मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अक्सर वो बेशतर बच्चे क्या करते हैं, या तो टीवी म्यूट करके जाए नमाज टीवी के सामने ही बिछा लेते हैं, नमाज भी पढ़े जा रहे हैं टीवी भी देखे जा रहे हैं, एक नजर टीवी पे एक नजर जाए नमाज पे, एक नजर टीवी पे एक नजर जाए नमाज पे। और अगर अम्मा जो है वो जाए नमाज ना बिछाने दे और कहेंगे जहीं जाकर अपने कमरे में नमाज पढ़ो, तो वो कमरे में भी क्या होता है कि बच्चे किस वक्त जाते हैं, वो जो ब्रेक आ रही होती है दरमियान में 3.5 मिनट की, उसके अंदर वो नमाज पढ़ने की मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। और चले ये तो मैच हो गया, खवातीन क्या ड्रामे और मूवीज नहीं देखती हैं? और हम यही नहीं करते कि नमाज का वक्त जा रहा है तो मूवी को पॉज किया और उसके बाद नमाज पढ़कर आए और फिर दोबारा से जो है अपने आईपैड पे या अपने लैपटॉप पे या आपके टीवी के सामने बैठ गए कि चलो जी टू बी कंटिन्यूड, जो मैंने ड्रामा छोड़ा था और जो मैंने जो है मूवी छोड़ी थी, अब मैं दोबारा से उसको देखना शुरू कर दूं। आप इतना बड़ा कमिटमेंट नमाज के अंदर अल्लाह से करके आए हैं, तो अब कैसे अपनी आंखों को उन चीजों को दिखा सकते हैं जिसको देखने से अल्लाह ताला ने मना किया है? तो अपनी जुबान को सिर्फ दावा करने वाला ना बनाएं, अपने दिल को अल्लाह का फरमा बरदार बनाए, अपने जवारे से यानी कि अपने लिम्स से, अपने ऑर्गन से, अपने हाथ पैरों से अल्लाह की फरमा बरदारी को शो करें, ताकि आप और मैं जो नमाज में क्लेम करते हैं अल्लाह मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ आपसे उम्मीद रखती हूँ, मुझे सिर्फ आपका खौफ है, इसलिए सिर्फ मैं आपकी इबादत करती हूँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है। आपका बच्चा आपसे रट लगा कर रखे, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, और अम्मा जो है वो पाकिस्तान में है और बच्चा जो है वो पिछले 15 साल से अमेरिका में है, और किसी वजह से अम्मा नहीं जा पा रही और अम्मा बेचारी जो है वो तरस रही है बेटे को देखने के लिए और कहती रहती है कि बेटा मिलने आ जाओ, बेटा मिलने आ जाओ, फोन पर बेटा जब बात करता है कहता है आई लव यू, लेकिन आने के लिए कहता है टाइम नहीं है मेरे पास। आप चलें, ये तो जरा बड़ा बच्चा हो गया ना जो 15 साल से आंखों के सामने नहीं है, आपकी नजरों के सामने बच्चे होते हैं, हर वक्त आपके सामने रहते हैं, आप अपने बच्चे को कितनी मर्तबा कहती हैं बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाओ, बेटा मेज पर बैठकर खाना खाओ, बच्चा काउच पर बैठ के या बेड पर बैठ के खाना खाता है। आप अपने बच्चे से कितनी दफा कहती हैं मिसाल के तौर पर मेरे कमरे में जूते लेकर मत आओ, बच्चा बार बार जो है वो आपके कमरे में जूते लेकर आता है। आप अपने बच्चे को बार बार कहती हैं कि बेटा रमजान में नेट पर मत बैठो, बच्चा बार बार नेट पर बैठता है, तो इसका क्या मतलब है? उसके बाद फिर वो आके ये सारे काम कर रहा है जो माँ कह रही है वो नहीं मान रहा, उसके बाद आके कहता है हाथ बांध के अम्मी आई लव यू, अम्मी का क्या दिल करेगा? अम्मिया एक स्लैप थप्पड़, मजाक बनाया हुआ है मेरी मोहब्बत का या मुझे आई लव यू कहने का? कैसा दावा है ये हमारा और आपका? यही हाल हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं, दावे हम खूब करते हैं लेकिन करते हैं हम अपनी मर्जी हैं। तो ये माँ को जैसे आपका दावा झूठा दावा हर्ट कर सकता है, अल्लाह को कोई चीज हर्ट तो नहीं कर सकती, अल्लाह तो कामिल, अल्लाह तो पाक है सुभान अल्लाह, लेकिन अल्लाह के गजब को भड़का सकती है ये चीज, अल्लाह के सिफत अदल को भड़का सकती है। तो इस चीज के लिए मोहतात रहें, जिस चीज को अल्लाह ने मना किया है वो चीज अपनी जिंदगी में शामिल ना करें।